तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड का बेसिक आइडिया लेने के बाद इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक म्यूचुअल फंड को पूरी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसके लिए एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके एनालिसिस करके देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे वेबसाइट www.valuerisearchonline.com पर। इसमें सबसे ऊपर राइट साइड में एक सर्च टैब है, उसमें सर्च करेंगे निपोन इंडिया मल्टी कैप फंड को। इस म्यूचुअल फंड में फ्रंट स्क्रीन पर हमें कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं। फर्स्ट है रिस्कोमीटर, जिसमें इस फंड को वेरी हाई रिस्क पर बताया गया है। अब देखिए, इन केस ऑफ इक्विटी फंड्स ये बहुत कॉमन बात है कि उनकी रिस्क जनरली हाई या फिर वेरी हाई कैलकुलेट ही की जाती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में हाई प्रॉफिट का चांस तो जरूर होता है, बट साथ ही साथ इसमें रिस्क भी ज़्यादा इसलिए बताते हैं क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स या किसी भी इकोनॉमी में अप डाउन न्यूज़ की वजह से इक्विटी मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है, बट शॉर्ट टर्म में कभी भी स्टक हो जाता है। इसके बाद जो काम की चीज़ है वो ये है कि इस फंड्स के रिटर्न या प्रॉफिट्स ओवर द लास्ट पीरियड्स। ड्रॉप डाउन में हम देख सकते हैं डिफरेंट पीरियड्स के रिटर्न्स ऑप्शंस, जो 1 डे, 1 वीक से लेकर 3 या 5 या 10 ईयर्स तक के हैं। इसमें से कोई भी पीरियड सिलेक्ट करके आप उस पीरियड के रिटर्न्स देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने कितने रिटर्न्स दिए हैं। एंड एक और चीज़, अगर आप इसमें 1 ईयर से ऊपर का पीरियड सिलेक्ट करेंगे तो उस केस में रिटर्न परसेंटेज एनुअलाइज रिटर्न्स में होंगे, एंड ये रेट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की तरह होगी। इसका मतलब है कि अगर आपने जैसे 5 ईयर्स का रिटर्न पीरियड सिलेक्ट किया है तो आपको दिख रहा है 17%। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस म्यूचुअल फंड्स ने 5 ईयर्स में इन टोटल केवल 17% ही रिटर्न दिया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इस म्यूचुअल फंड ने कंपाउंडेड बेसिस पर इतना रिटर्न एवरी ईयर दिया है। मतलब फर्स्ट ईयर में 17%, तो 1 ईयर के बाद जो टोटल अमाउंट होगा, मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 1 ईयर का रिटर्न, उसके ऊपर रिटर्न मिला है 17% अगेन इन सेकेंड ईयर। ऐसे ही ये रिटर्न एक्यूमुलेट होगा अगले 5th ईयर तक। एनुअलाइज रिटर्न्स के बाद में नेक्स्ट हमको दिख रहा है नेट असेट वैल्यू और एनएवी ऑफ 1 यूनिट ऑफ दैट फंड। नेट असेट वैल्यू का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड ने हमसे, मतलब कि सारे रिटेल इन्वेस्टर से पैसा लिया, एंड उस पैसे को फंड मैनेजर्स ने यूज़ किया कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, या तो शेयर्स में या कोई भी सिक्योरिटीज़ में। तो उन सारे इन्वेस्टमेंट्स का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा मार्केट में, उसमें से माइनस होगा एनी लाइबिलिटीज ऑफ दैट म्यूचुअल फंड। तो फ्रेंड्स, वो अमाउंट होगा नेट असेट वैल्यू ऑफ दैट म्यूचुअल फंड। एंड ये नेट असेट वैल्यू डिवाइड होता है टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स अलॉटेड टू ऑल द रिटेल इन्वेस्टर्स, और ये कैलकुलेशन से आता है नेट असेट वैल्यू पर यूनिट। म्यूचुअल फंड्स ने कितना रिटर्न दिया है ये कैलकुलेट होता है पास्ट ट्रेड्स की एनएवी से प्रेजेंट एनएवी को कंपेयर करके। अब आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि रिटर्न ग्राफ, जिसमें म्यूचुअल फंड्स की एनएवी कैसे कैसे कितने टाइम पीरियड्स में कैसे इंक्रीज हुई है, ये हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस में देखने को मिलता है। इसके बारे में आपको और समझना है तो कमेंट कर सकते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे, मीन्स एनएवी के टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई इस म्यूचुअल फंड्स के ओवरव्यू के बारे में। इसके बाद हम स्क्रॉल बैक करेंगे ऊपर की ओर एंड जाएंगे रिटर्न स्टेप पर। उसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे एंड एनएवी के ग्राफ के बाद हमें दिखेगा एक टेबल जिसमें मेंशन होगा रिटर्न ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, ना केवल इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बल्कि बेंचमार्क का भी। अब इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE 500। तो फिर उसी टेबल में थर्ड रो में हमें देखने को मिलता है एवरेज रिटर्न ऑफ ऑल दी फंड्स इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, जिस कैटेगरी का वो म्यूचुअल फंड है। हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि लगभग सभी पीरियड्स में हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसने बेंचमार्क एंड एवरेज ऑफ द कैटेगरी दोनों से हाई रिटर्न्स दिया है, एंड ये म्यूचुअल फंड रिटर्न्स के मामले में अबोव एवरेज है। इसी टेबल में हम नेक्स्ट रो में देखते हैं रैंक ऑफ दिस म्यूचुअल फंड अमंग इट्स कैटेगरी, एंड नेक्स्ट रो में है नंबर ऑफ फंड्स इस कैटेगरी में। ये रैंक वाले इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल नहीं है बिकॉज हम म्यूचुअल फंड्स को सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एंड वो रिक्वायरमेंट है वैसा फंड सिलेक्ट करना जिसमें चांस हो बेस्ट पॉसिबल रिटर्न देने का। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो आएगा बेस्ट एंड वर्स्ट रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड्स इन वेरियस पीरियड्स। ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। इसके बाद और स्क्रॉल करने पर हमें दिखेगा कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर में कैलकुलेट हो सकता है कि पास्ट में किसी भी टाइम पीरियड में अगर इस म्यूचुअल फंड के SIP में इन्वेस्ट किया जाता तो अभी तक कितना रिटर्न मिल पाता। मतलब कि अगर कोई एक अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया होता तो अभी तक प्रॉफिट मिलाकर वो कितना हो गया होता। इसके बाद हम वापस से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे एंड विजिट करेंगे रिस्क टैब पर। इसमें फर्स्ट कॉलम हमें दिखेगा मीन रिटर्न्स के बारे में। इसमें पास्ट 3 ईयर्स के सारे मंथली रिटर्न्स को एनालाइज करने के बाद उनका एवरेज काउंट किया जाता है। ये डेटा भी हमारे लिए ज़्यादा कुछ काम का नहीं है बिकॉज एक म्यूचुअल फंड के केस में शॉर्ट ड्यूरेशन के रिटर्न्स कुछ ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं होते हैं बिकॉज ये इजीली फ्लक्चुएट होते हैं मार्केट कंडीशन से। तो उन रिटर्न्स का एवरेज भी हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। रिटर्न्स के बारे में इम्पोर्टेंट है कि पास्ट कुछ ईयर्स के एनालाइज रिटर्न्स ओनली कंसिडर करें एंड कुछ और नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में देख रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के परसेंटेज के बारे में।
स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है कितने परसेंटेज से म्यूचुअल फंड के एवरेज एनुअल रिटर्न्स में डिफरेंस आ सकता है। ये डिफरेंस अपसाइड या डाउनसाइड कुछ भी हो सकता है, ये पास्ट इन्फॉर्मेशन पे कैलकुलेट करके जस्ट एस्टिमेट लगाया हुआ फिगर है। स्टैंडर्ड डिविएशन इसलिए एनालाइज करना जरूरी है बिकॉज हमें स्टॉक में कभी भी एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज़्यादा या कभी एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम प्रॉफिट मिल सकता है। इसका फॉर्मूला एंड ऑल डिस्कस करने की यहाँ पर कोई नीड नहीं है, ओनली ये जानना जरूरी है कि अगर दोनों में से किसी एक म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो म्यूचुअल फंड रिटर्न के मामले में ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, भले ही वो ज़्यादा रिटर्न दे रहा हो। तो डेफिनेटली हाई स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है हायर फ्लक्चुएशन एंड लोअर डिविएशन का मतलब है लोअर फ्लक्चुएशन। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो म्यूचुअल फंड है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन इंडेक्स के बेंचमार्क से ज़्यादा है, और भी अगर कंपेयर करें तो ये कैटेगरी के एवरेज से भी इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है। तो ये फैक्ट है कि हम जो फंड कंसिडर कर रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है रिटर्न्स के मामले में। बट इस बात में ज़्यादा सरप्राइज नहीं है क्योंकि जिस म्यूचुअल फंड में पास्ट में ज़्यादा रिटर्न्स दिए होते हैं उसका स्टैंडर्ड डिविएशन मोस्टली हाई ही होता है क्योंकि उसने अबव एवरेज रिटर्न वैसे ही दे दिए हैं, एंड एक लिमिट तक तो ये ओके है। एक और चीज़ है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज़ कंपेरिजन के लिए ही हो सकता है, या तो बेंचमार्क से या कैटेगरी एवरेज से या किसी और म्यूचुअल फंड से। इन आइसोलेशन अगर हम देखें कि किसी भी म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन तो वो कोई यूजफुल नहीं है। इसके बाद आता है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो का मतलब होता है कि जो भी एक्स्ट्रा रिस्क एक म्यूचुअल फंड में है उस रिस्क के ऊपर कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा इस फंड ने दिया है पर यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा रिस्क। तो जनरली हाई शार्प रेशियो का मतलब है बेटर सिचुएशन। एंड इसके बाद हम कंसिडर करेंगे सोर्टिनो रेशियो। सोर्टिनो रेशियो में भी एक्स्ट्रा रिटर्न्स पर यूनिट ऑफ रिस्क ही मेजर किया जाता है, बट इसमें केवल डाउनसाइड रिस्क को ही कंसिडर किया जाता है एंड टोटल रिस्क को नहीं। इसी वजह से ये रेशियो थोड़ा कंजर्वेटिव है। शार्प रेशियो की तरह ही सोर्टिनो रेशियो भी जितना हाई होगा उतना बेटर होगा। बट रिस्क रेशियोज को लेकर एक बात कॉमन है कि ये तभी काम के होते हैं जब किसी और पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से इन्हें कंपेयर किया जाए। अगर स्टैंडर्ड ऑन किसी एक फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर शार्प रेशियो या सोर्टिनो रेशियो अगर आप देखेंगे तो इसका कोई यूज़ नहीं होता है। इसके बाद हम आते हैं बीटा फैक्टर पर। अब ये बीटा फैक्टर क्या है? देखिए, बीटा फैक्टर में जो मार्केट की सेंसिटिविटी है वो बेंचमार्क होती है एज वन ओनली। इसके कंपैरिजन में अगर एक म्यूचुअल फंड का बीटा वन से ज़्यादा है तो वो फंड मार्केट से ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर बीटा वन से कम है तो कंपैरेटिवली सेंसिटिविटी लो है। बीटा के बाद में आता है अल्फा रेशियो। अल्फा रेशियो में मेजर किया जाता है बेंचमार्क रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न देने की कैपेसिटी को। अगर एक स्टॉक का अल्फा फैक्टर हाई है तो वो बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न देने में सक्सेसफुल है। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड का टारगेट है टू हैव अल्फा तो इसका मतलब है कि फंड मैनेजर्स का फोकस है कि बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न कैसे अर्न किया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम एनालिसिस कर चुके हैं रिस्क रेशियोज का। अब म्यूचुअल फंड एनालिसिस में जो बाकी के एलिमेंट्स हैं किसी एक म्यूचुअल फंड को एनालिसिस करने के लिए उन्हें हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स गो।